हाय अगेन। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस बार भी। टॉप के फ्रिक्वेंट नंबर है ना, टॉप के फ्रिक्वेंट नंबर। अगर तुमने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है ना तो प्लीज़ वो जाके देख लो एक बार, क्योंकि उसमें मैंने एक आंसर समझाया है कि जो स्टैक में हमेशा अपन, ये स्टैक कह रहा हूँ, हीप में अपन हमेशा जो है वो नंबर्स नहीं इनपुट करते हैं। अपन कभी कभी कोई दो नंबर करते हैं, कभी कभी अपन कुछ ऐसा भी इनपुट करते हैं कि ये और इधर पेयर पूरा पूरा, मतलब ऐसा एक नंबर और इधर पूरा पेयर भी इनपुट कर देते हैं, कभी कभी दो नंबर भी कर देते हैं। बेसिकली ये जो नंबर है जिसपे शॉर्टिंग होगी वो हमेशा फर्स्ट नंबर होता है, और ये जो है ना ये चेंज हो सकता है, इसको हम लोग की बोलते हैं। इसमें जिसपे ये हीप शॉर्ट करेगा तो की हमेशा ये एग्जैक्टली एरे में जो नंबर दे रखा है वो हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी की फ्रिक्वेंसी हो सकती है, कभी कभी डिफरेंस हो सकता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें की हो सकती है ना। तो डिफरेंस वाला मैंने कल पिछले वीडियो में किया था, तो मैंने वो अच्छे से समझाया था। तो उस वाले वीडियो में आने से पहले तुम वाला वीडियो जरूर देख लो, इससे जैसे ऊपर होगा प्लेलिस्ट में। अपन देखते हैं अपना फ्लो क्या रहेगा पढ़ने में, है ना। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे पहले तो एज यूजुअल, उसके बाद अपन प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर लेना, बोल ही चुका हूँ तुमको। हैश का देखेंगे कि हैश का कैसे यूज करना है इसमें, और इसका एक्सप्लेनेशन, फिर इसका कोड लिखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अपने को टॉप के फ्रिक्वेंट नंबर चाहिए, मतलब कि अपने को वो। अच्छा चलो अब इस पर आ जाते हैं, पहले अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि टॉप के एलिमेंट चाहिए जो कि फ्रिक्वेंसी में टॉप के हों, मतलब कि मोस्ट फ्रिक्वेंट वाले एलिमेंट चाहिए। के क्या देखा है, दो, तो अपने को टॉप टू फ्रिक्वेंट एलिमेंट चाहिए। तो वन कितनी बार आ रहा है, वन टू थ्री, थ्री बार वन आ रहा है। फिर थ्री कितनी बार आ रहा है, थ्री आ रहा है वन टाइम, टू आ रहा है टू टाइम्स, फोर आ रहा है वन टाइम। सो इसमें से टॉप दो जिनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, ये रही फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, इसकी, थ्री की ज़्यादा है, फिर टू की ज़्यादा है। तो अपने को आउटपुट में क्या चाहिए, वन और टू, तो वन और टू आउटपुट में आ जाना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा ये दिख रहा है ना अपना, इसमें हीप का क्वेश्चन है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, हीप का क्वेश्चन है कि नहीं ये पता चलेगा, सीधा के है कि नहीं, और ये टॉप। बेसिकली अगर अपने से क्या पूछा हो, लार्जेस्ट पूछा हो, ग्रेटेस्ट पूछा हो, टॉप पूछा हो, इन सब की सेम बात है। टॉप, लार्जेस्ट, जो लोग ग्रेटेस्ट होते हैं वही टॉप के लोग होते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो ये सबको जब भी ऐसा कुछ भी पूछा हो तो मैंने क्या बोला था, क्या बनाना है, मेन हीप। और जब भी अपन से क्या क्या पूछा हो, स्मॉलेस्ट पूछा हो, लोएस्ट पूछा हो, या क्लोजेस्ट पूछा हो, इस सब में क्लोजेस्ट कैसे होगा, जो सबसे पास में होगा, इस सब, ये जो भी है ना, इन सब में मैक्स हीप बनेगा। अरे बस, इन सबकी फील सेम है, सबकी फील स्मॉलेस्ट जैसी आती है, इन सबकी फील आती है लार्जेस्ट जैसी। अरे बस समझ, ठीक है। तो बेसिकली अपने को ये सब पता है इतना तो पहले का है कि मिनी किस में बनेगा, मैक्सिम किस में बनेगा, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट टॉप मिनी स्मॉलेस्ट लोएस्ट क्लोजेस्ट मैक्सिम। ठीक है, ये कीवर्ड रटना मत, मैं बता रहा हूँ, मैं तो एग्जाम्पल से मैं चार पांच और लिख सकता हूँ ऐसे, अपने जो सिमिलर कीवर्ड है, जहाँ पर देखना, जहाँ पर भी स्मॉलेस्ट की फील आ रही हो और जहाँ पर भी लार्जेस्ट की फील आ रही हो। ठीक है, तो मेरे को अब क्या चाहिए, मेरे को, अच्छा अब इसमें ये बात समझ में आ गई, अपन की डिसाइड कर लेते हैं। की जैसे प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा तो जाकर देख लेना प्लीज, उसके बाद ही समझ में आएगा। जैसे प्रीवियस वीडियो में अपन देखा था की क्या थी, डिफरेंस थी, की डिफरेंस थी एरे ऑफ आई माइनस एक्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस, ये की थी। यहाँ पर अपन सॉर्टिंग उसकी डिफरेंस पे कर रहे हैं, यहाँ पर अपन सॉर्टिंग किस पे कर रहे हैं, यहाँ पर अपन सॉर्टिंग इस फ्रिक्वेंसी पे कर रहे हैं, राइट। जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो चाहिए अपने को, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो चाहिए। तो अपन सॉर्टिंग किस पे कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी की बेसिस पे। तो पहले तो अपने को एक ऐसा कुछ चाहिए कि एक नंबर लिखा हो इधर, इधर क्या हो नंबर हो, और इधर क्या हो फ्रिक्वेंसी हो, इधर नंबर और इसकी फ्रिक्वेंसी, ऐसा कुछ चाहिए। मतलब एक मैपिंग चाहिए, मैप चाहिए, एक हैश फंक्शन चाहिए। बेसिकली जब भी अपन सोचते हैं ना किसी भी नंबर की फ्रिक्वेंसी काउंट करने के क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमेशा सोचो हैश के बारे में। फ्रिक्वेंसी और हैश काफ़ी मदद करता है फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चन में। तो पहले तो अपने एक हैश फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो अपने को एरे दे रखा है, एरे दे रखा है, एरे क्या है, वन 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 थ्री टू टू फोर, ठीक है। तो अपने एक मैप बना लेते हैं जो कि इसकी फ्रिक्वेंसी स्टोर करेगा। अपने को बेसिकली क्या चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए कि वन पे थ्री है, थ्री पे वन है, और टू पे टू, और फोर पे वन, राइट। ऐसा मैप चाहिए, तो मैप बनाना आता है, मैं लिख देता हूँ कोड, अगर नहीं आता हो अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं, क्योंकि अपने को ऑर्डर करने से कोई मतलब नहीं है, कंपलसिटी कम रहेगी अनऑर्डर्ड की। अनऑर्डर्ड मैप MP नाम रखता हूँ मैं मैप का, ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप बन गया। फिर अपन को ये एरे को ट्रावर्स करना पड़ेगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, जो भी एन साइज होगा एरे का, राइट। फिर अपन इस MP में पुश बैक, नहीं नहीं अपन को क्या करना है, अच्छा बस फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो बस बेसिकली अपन हर बार MP ऑफ एरे आई प्लस प्लस कर देंगे। बेसिकली इससे क्या होगा,
इससे क्या होगा कि वन आएगा तो वन जैसे यहाँ पर आया तो वन की फ्रिक्वेंसी क्या है वन हो जाएगी, ठीक है। फिर एक और वन देखेगा तो यहाँ पर एम पी ऑफ एरे आई, मतलब एरे आई क्या है वन, वन में फिर से फ्रिक्वेंसी प्लस प्लस, तो ये फ्रिक्वेंसी टू हो जाएगी। फिर एक और वन देखेगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी थ्री हो जाएगी। फिर थ्री पे आएंगे तो थ्री की फ्रिक्वेंसी वन हो जाएगी। फिर अपन टू पे आएंगे तो टू की फ्रिक्वेंसी वन हो जाएगी। फिर अगले टू पे आएंगे तो टू की फ्रिक्वेंसी प्लस प्लस हो जाएगी, टू हो जाएगी। फिर अपन फोर पे आएंगे तो फोर की फ्रिक्वेंसी वन हो जाएगी। तो अपने को ये मैप मिल जाएगा, राइट। इतना सा काम करेंगे तो अपने को ये मैप मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी अपने पास क्या था, अपने पास ये एरे दे रखा था, इस एरे को अपन ने कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दिया एक मैप में, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। इससे अपन ने इस पे आ गया। अब इसका, अभी इसका यूज करके अपन हीप पे आएंगे, इस पे अपन हीप बनाएंगे, ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को इसमें क्या था, इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इस एरे में जो दे रखा था वन 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 थ्री टू टू और फोर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जब मैं हीप बनाऊंगा ना तो इस हीप में की क्या रखूं, ये जो की है की फ्रिक्वेंसी है, तो यहाँ पर कोई फ्रिक्वेंसी दिख नहीं रहा था, तो मैंने इसको चेंज कर दिया ताकि मेरे को इसकी फ्रिक्वेंसी दिखने लगे। अब मेरे को क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी साफ समझ में आ रही है कि फ्रिक्वेंसी किसकी क्या है, इसकी वन थ्री थ्री वन टू टू फोर वन, ये तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ये जो है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है और यहाँ पर ये एरे ऑफ आई है, ठीक है। तो अब मेरे को समझ में आ रहा है कि हाँ मेरे को फ्रिक्वेंसी दिख रही है, तो मेरे को इससे सॉर्ट करना है। तो बेसिकली अब मैं अगर इसको ट्रावर्स कर लूँ और इसको हीप में डालता जाऊँ, तो इस मैप को ट्रावर्स करके हीप में डालता जाऊँ इसके बेसिस पे, तो मेरी ये सॉर्टिंग हो जाएगी ना पूरी। तो मैं क्या करूँगा बता देता हूँ, पहले कोड लिखने से पहले, तो मैं पहले इस पे आऊँगा, इस पे आऊँगा और हीप में डालूँगा इसको। हीप में कैसे डालूंगा, की पहले रखूंगा, तो की मेरी फ्रिक्वेंसी है तो थ्री और वन डालूंगा, ठीक है। फिर मैं इस पे आऊँगा, क्योंकि मैंने क्या बनाया था, मिन हीप, राइट, मिन हीप बनाया था, अपने टॉप पूछा था इसलिए मिन हीप बनाया, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट इस पे आ जाऊँगा, इस पे आ जाऊँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, थ्री कॉमा वन तो पहले से था, फिर वन कॉमा थ्री आ जाएगा। उल्टा करके डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को की पहले रखनी है ना, जो पहला वाला की होती है ना इसमें, यहाँ पर उस पर सॉर्टिंग होती है। फिर मैं इस पर आ जाऊँगा, मैंने मिन हीप बनाया, और साइज क्या है, मेरे को साइज शेप का क्या रखना है, के क्या दे रखा था, के इज इक्वल टू, तो साइज चेक करता रहूँगा, अभी के से ग्रेटर हुआ है क्या, नहीं अभी के से ग्रेटर हुआ है, नहीं, ठीक है। अब मैं इस पर आ जाऊँगा, यहाँ आ जाएगा क्या, थ्री कॉमा वन और आ जाएगा टू कॉमा टू और वन कॉमा थ्री। फिर मैं साइज चेक करूँगा, साइज ग्रेटर हो गया के से, हाँ साइज तो ग्रेटर हो गया, तो मैं इसको पॉप कर दूँगा। तो बेसिकली मेरे पास फिर से क्या आ जाएगा, थ्री कॉमा वन टू कॉमा टू और यहाँ पर आ जाऊँगा। फिर मैं इस वाले पे आ जाऊँगा, इसको पुश कर दूंगा, यहाँ क्या है वन कॉमा फोर, ये यहाँ पर पुश होगा, फिर से साइज ग्रेटर किया होगा तो इसको पॉप कर दूंगा। आखिर में मेरे पास क्या बचेगा, थ्री कॉमा वन और टू कॉमा टू। फिर मैं इस पूरे एरे को खाली कर दूंगा और ये सेवन जो यहाँ पर, ये क्या है, ये फ्रिक्वेंसी है, ये एरे ऑफ आई है, तो मैं एरे ऑफ आई को प्रिंट करा दूंगा। आगे बस एरे ऑफ आई को प्रिंट करा दूंगा। तो मैं कर क्या रहा हूँ, अभी मैं इसका कोड लिखूँ, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ये है मैप, ये वन थ्री थ्री वन टू टू फोर टू, राइट। सो मेरे को इस मैप को ट्रैवर्स करना है, ये मेरे पास मैप है एम पी, तो मेरे को मैप ट्रैवर्स करना है। मैप ट्रैवर्स करने का तो मैं, अगर नहीं आता तो देख लेना ऑटो आई, एक इटरेटर बोलते हैं इसको, ऑटो आई, ऑटो आई इज इक्वल टू एम पी डॉट बिगिन से शुरू करूँगा, मतलब स्टार्टिंग से, आई इज नॉट इक्वल टू एम पी डॉट एंड, और ये मैप की चीज़ें हैं ना, आई प्लस प्लस, ये सिंपल लिखते हैं, यहाँ ऑटो आई लिख देते हैं, ये इटरेटर को जो भी इटरेटर होगा वो खुद ही ऑटो आई, मतलब खुद ही अपना सुटेबल चीज़ ले लेगा। एम पी डॉट एंड यहाँ तक होता है, ये एंड होता है, नीचे होता है मैप के, है ना। जब तक यहाँ तक नहीं आता तब तक ट्रैवर्स करना है अपने को, ट्रैवर्स करना है अपने पास हीप बना लेंगे। हीप क्या बनाना है मेरे को, एक मेन हीप बनाना है। अच्छा मेन हीप याद है ना, मेन हीप कैसे बनाते हैं अपन, प्रायोरिटी क्यू लिखते हैं, प्रायोरिटी क्यू लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एंट, और फिर अपन लिखते हैं वेक्टर ऑफ एंट, फिर अपन लिखते हैं ग्रेटर इंट, और उसके बाद मेन हीप। और यहाँ पर क्योंकि मेन हीप अपन ने कैसा बनाया है, मेन हीप में अपन पेयर बनाया, तो जहाँ जहाँ भी इंट है ना, जहाँ जहाँ भी इंट आया वहाँ क्या लिखना पड़ेगा अपन को, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, जहाँ जहाँ भी इंट है उन सब की जगह पे अपने को ये लिखना पड़ेगा। तो इतना लिखोगे ना इंट की जगह पेयर ऑफ इंट कर करके, तब जाके अपने पास मेन हीप बनेगा, ठीक है। मेन हीप बना लिया, फिर अपन ने क्या करा, अब इस एरे को ट्रैवर्स करेंगे, सिंपल है, मेन हीप डॉट पुश, क्या करना है अपने को, हीप में पेयर में क्या पुश करना है, इसका जो इटरेटर का सेकंड है वो पहले पुश करना है, तो इटरेटर का सेकंड, फिर इटरेटर का फर्स्ट पुट करना है,
ये करा, उसके बाद मैं चेक करना क्या हीप का साइज तो ग्रेटर देन नहीं हो गया, तो हीप का साइज चेक करना है, साइज इज ग्रेटर देन के हो गया तो फिर मेन हीप डॉट पॉप। ठीक है, इतना करोगे तो आखिर में अपने पास क्या मिल जाएगा, लास्ट में अपने को ये सा कुछ मिल जाएगा, पूरा हीप आंसर खाली मिलेगा यहाँ पर साइज के में। फिर लास्ट में इसको वाइल पॉप करके उसको प्रिंट करा देना, उसका सेकंड वाला वाइल लूप लगा देना कि जब तक साइज इसका ग्रेटर देन जीरो है, उसके बाद सेकंड वाला इसमें प्रिंट करा देना, सेकंड डॉट सेकंड। ठीक है, मतलब क्या प्रिंट कराना है, अपने को प्रिंट कराना है एमपी डॉट टॉप डॉट सेकेंड। आगे बात समझो, सिंपल है। इटरेटर में यहाँ पर जब पेयर लिखते हैं पेयर में डॉट लगता है, याद रखना पेयर में डॉट लगता है, इटरेटर में ऐसा एरो लगता है। जब पेयर लिखते हैं ना एमपी डॉट टॉप डॉट सेकेंड तो हमें प्रिंट कराना होगा डॉट सेकेंड, और इटरेटर होता है इसमें ऐसा एरो लगा के डॉट ये फर्स्ट और ये सेकेंड लिखते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया हो, सिंपल सा कोड है। अपन ने क्या करा, प्रॉब्लम एक बार समअप कर लेता हूँ मैं फटाफट, तो मैं समअप कर लेता हूँ। मैंने बोला कि मेरे को एक एरे दे रखा है कुछ इस तरीके का, जिसमें कि तीन वन थे, शायद वन 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 थ्री, दो टू थे और एक फोर है ना। मैंने बोला इसको सॉर्ट करना है, पर सॉर्ट कैसे करना है, अभी तक अपन सॉर्ट कैसे कर रहा था, इस एरे इटसेल्फ नंबर पे ही कर रहा था, मिनिमम मैक्सिमम पूछा था, अभी इसको फ्रिक्वेंसी भी करना है। तो मेरे समझ में आ गया फ्रिक्वेंसी भी करना, तो अपने को जो हीप है ना इसमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, दो की, एक तो की होगी जो कि फ्रिक्वेंसी होगी और एक ही एलिमेंट होगा। अब मैंने बोला इसमें फ्रिक्वेंसी तो कहीं दिख नहीं रही है, तो फ्रिक्वेंसी कैसे लाऊं, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, मैप में, एक मैप बना लिया मैंने, उस मैप में इसको मैंने स्टोर कर लिया ऐसा। ठीक है, यहाँ पर की स्टोर कर ली और यहाँ पर इसका फ्रिक्वेंसी स्टोर कर ली, ये फ्रिक्वेंसी हो गई, यहाँ पर ये इसकी एरे ऑफ आई स्टोर कर लिया। फिर मैंने इसको ट्रैवर्स किया, मैप को ट्रैवर्स कर करके इसमें डाला हीप में, जब भी इसका साइज ग्रेटर देन के हो गया तो मैं पॉप करता गया, आखिर में जो बचा उसको मैंने एम्प्टी कर दिया पूरे हीप को, और हीप को एम्प्टी करते ही हीप को एम्प्टी करा और मेरे को बाकी जो भी है उसका आंसर मिल जाएगा। मेरे को क्या रिटर्न कराना है, एम्प्टी डॉट टॉप डॉट सेकेंड। सेकेंड क्यों, क्योंकि ये जो की हीप बनाया था ना, इसमें हीप में यहाँ पर तो ये फ्रिक्वेंसी थी, अपने को एलिमेंट रिटर्न कराना, तो की यहाँ पर थी जो एलिमेंट था वो ये, इसलिए अपन सेकेंड रिटर्न करा रहे हैं। राइट, आई होप समझ में आ गया होगा। बस ये की का ही है, की अपने को हर बार अलग अलग चीज़ें कुछ होती है, की कभी डिफरेंस होती है, की कभी फ्रिक्वेंसी होती है, की अभी बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से की बनेगी। ठीक है, तो ये समझ में चाहिए अपने को की कैसे बनानी है। राइट, थैंक्स।